हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो प्री मैच्योर वाइट हेयर्स के बारे में है। जी हाँ, तो आज मैं लेके आई हूँ लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन, यानी कि सेकेंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि छोटी उम्र में होने वाले सफ़ेद बालों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आप अपना कारण ज़रूर से पता कर ले कि आखिर आपको सफ़ेद बाल हो क्यों रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आपने वो पता कर लिया होगा। तो पहला कारण जो मैंने बताया था वो था जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी प्रकृति ही पित्त वाली है तो आपको सबसे ज़्यादा चांसेस है सफ़ेद बाल होने के। तो अगर आपके सफ़ेद बाल इसी कारण से है तो आपको जानकर थोड़ी सी तकलीफ़ होगी कि सफ़ेद बालों को रिवर्स करना आपके लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। पित्त दोष को ठीक करने के लिए काफ़ी सारी आयुर्वेदिक तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है और लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे बदलाव करने पड़ते हैं जिससे कि बढ़ा हुआ पित्त बैलेंस हो जाए। पर अगर आपका कारण जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री में से नहीं है, यानी आपके कारण कुछ और है जैसे विटामिंस की कमी, टेंशन और केमिकल्स इत्यादि, तो आप ये सारे उपाय ट्राई कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि आप अपने बालों की कुछ तेलों से मालिश करें, जैसे कि ब्राह्मी भृंगराज तेल, करी पत्ता और नारियल तेल मिला हुआ। करी पत्ते में काफ़ी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है और कोकोनट ऑयल ठंडा होता है जो कि आपके पित्त दोष को कम करने में सहायक होता है। आंवला ऑयल, आप आंवला को सुखा लें और फिर उसे उबाल लें, उसमें करी पत्ता और नारियल तेल मिलाकर मालिश करें। कैस्टर ऑयल यानी अरंड का तेल, वो भी आपको काफ़ी ठंडक प्रदान करेगा। दूसरा है आयुर्वेदिक शैम्पूस। जी हाँ, अगर आपको केमिकल युक्त शैम्पू यूज़ करने के बाद सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम हुई है तो आप नेचुरल चीज़ों से बने शैम्पूस का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि आमला, रीठा, शिकाकाई, ये तीनों को बराबर मात्रा में लेकर शैम्पू बनाएं। या फिर अगर आप घर पे इसे नहीं बना सकते तो आप बाज़ार से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदें जिसमें कि आमला, रीठा और शिकाकाई पाया जाता हो। त्रिफला चूर्ण से अपने बालों को धोए, याद रखें पानी सुसुम ही इस्तेमाल करें। तीसरा है आयुर्वेदिक हेयर मास्क, आप मेथी दाने का यानी कि फेन्युग्रीक हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाने में काफ़ी मात्रा में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हेयर फोलाइकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इन्फेक्शंस पल्यूशन से फाइट भी करते हैं। मेथी दाना आपके बालों को पोषण प्रदान करता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। ये मास्क बनाने के लिए आप मेथी दाने को पानी में सोक करें, कुछ घंटों बाद उसे पीस के पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को अपने बालों में लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बाल धो लें। दूसरा है बटर मिल्क प्लस करी लीव्स हेयर मास्क, छाछ और कड़ी पत्ता को एक साथ पीस कर पेस्ट बना ले, 30 मिनट तक बालों में लगा रहने दे और फिर धो ले। तो आज हमने जाना कि सफ़ेद बाल से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे योगा आसन जो कि आपको इस प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। तो इन सारे उपायों से आपको छोटी उम्र में सफ़ेद बालों से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे तथा बेल बटन प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इसी वीडियो का Part 3 आप मिस ना कर दें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।